नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लांट लवर अनीता में। देखिए, मेरे अलमांडा में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है और दो फूल खिले हुए हैं, येलो कलर के बुश वाली वैरायटी है ये, और कलियां भी अभी आ रही हैं। सारी ब्रांचेस पे कलियां भी बनने लगी हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी। और ये देखिए, और छोटे छोटे जो है इसके लीव्स रहते हैं शाइनी से, बहुत ही सुंदर ये पौधा है। और ये जो है रेड लीव्स वाला प्लांट, ये बहुत ही सुंदर है। देखिए, इसकी कटिंग लगाई थी मैंने, और इस तरफ ये अंगूर की बेल है, तो ग्रीन और मैरून का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। बकेट में लगी हुई है ये वाली बेल मेरी, तो इसका जो मदर प्लांट है वो ये है। इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं, कलरफुल कोई भी प्लांट हो गार्डन में तो बहुत अच्छा लगता है वो। और हमारे यहाँ पे भी बारिश हो रही है लगातार, बीच में थोड़ी देर के लिए धूप आती है और फिर बारिश, तो प्लांट जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं, अच्छे ग्रो होते हैं मॉनसून सीज़न में। और ये पेंटास, रेड पेंटास भी अच्छे से अभी ब्लूम होने लगा है, और ये पिंक वाला, इसी में अपराजिता की बेल भी है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए जो मेरा टायर वाला प्लांटर है, इसमें किसी बर्ड्स ने ये घोंसला बना लिया है, लेकिन मैंने देखा नहीं है कि वो मतलब कौन सा बर्ड है, तो इसके अंदर करके बनाया हुआ है। देखिए, बारिश ना गिरे इसके ऊपर। और ये इधर कोलियस है मेरे सारे, ये देखिए। तो आज मैं आपको अपने बालकनी में रखे हुए प्लांट दिखाऊंगी, जो कि यहाँ पे ये एलोकेशिया की एक वैरायटी है, और ये प्लांट मैंने सीमेंटेड पॉट से इस पॉट में शिफ्ट किया था। छोटी छोटी सी पत्तियाँ हैं, अगर इसे आप सिंगल प्लांट लगाते हैं तो बड़ी, इससे बड़े साइज़ में भी हो जाती हैं। तो बड़े दिन से छोटे से पॉट में था, काफ़ी इसकी ब्रांचेज हो गई हैं अभी। और ये है ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट जो है, देखिए इस पर नई नई ये आगे से ब्रांचेज निकल रही हैं, और ये साथ में देखिए छोटी छोटी सी, ऐसा लग रहा है जैसे रूट्स निकली हो। और ये इसके आगे से आगे इसकी जो है ब्रांचेज बढ़ती जा रही हैं। जब मैं लेके आई थी तो देखिए, ये जो बीच में है ना, यही सिंगल था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ये बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं वो यहाँ पे मैं जब लेके आई उसके बाद ही निकली हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छे से इसकी भी ग्रोथ हो रही है। और आगे ये है ब्रह्म कमल का प्लांट, तो ये मेरा प्लांट जो है लगभग 2 साल का हो गया है, मैं लेके आई थी जब छोटा सा था ये, और अभी देखिए लंबी सी पत्ती निकली है और इस पर ये छोटी छोटी पत्तियाँ जो है निकल रही हैं, लेकिन अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है इस पर, पता नहीं कब होगी। और बहुत ही, जब इसकी नई पत्ती निकलती है बहुत शाइनी और सॉफ्ट सी होती है। अब देखिए कितनी सुंदर निकल रही है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है वैसे ये, तो देखिए इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है इस पर, जिसका मैं वेट कर रही हूँ। और इसका जो फूल है वो रात को खिलता है, और काफ़ी अच्छा प्लांट है ये, लकी प्लांट है ये। के बाद में इधर देखिए, छोटे छोटे से प्लांटर हैं मेरे पास, वेस्ट भी हैं कुछ, उनमें मैंने लगाए हैं। ये जेट प्लांट हैं, देखिए मिक्सी का जार है जो ख़राब हो चुका था, जिसमें मैंने ये जेट प्लांट लगाया है। जेट प्लांट की कटिंग इजीली चल जाती है, और चाहे आप छोटे में लगाइए बड़े में लगाइए, अच्छे से आराम से ग्रो होता रहता है, इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप देखिए, बहुत दिनों से लगा हुआ है इसमें, काफ़ी मोटी मोटी स्टेम हो गई है इसकी। और ये बॉटल में जो है, ये छोटे वाला बेबी टीयर्स लगा हुआ है, देखिए ये अपने आप इसके जो है प्लांट ग्रो होते रहते हैं, पता नहीं सीड गिरते हैं इसके। और छोटी सी बॉटल में मैंने लगाया है इसे। और ये वाला जो मैंने आपसे शेयर करा था ट्रे गार्डन, और इसमें भी देखिए सारे प्लांट अच्छे से चल रहे हैं, और ये इसके जो है प्लांट निकल के नीचे देखिए बेबी प्लांट भी ग्रो हो गए हैं छोटे छोटे से। तो ये मदर ऑफ थाउजेंड जहाँ गिरते हैं वहाँ बहुत सारे प्लांट निकलते रहते हैं। और जो ये मैंने बनाया था आर्च, इसमें भी नई ग्रोथ हो रही है अभी, ये देखिए। तो ये लग जाएगा
अच्छे से और काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी वीडियो मैं शाम के समय बना रही हूँ, वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे जो गमले हैं इनमें जो है मैंने ज़्यादातर अभी जेट प्लांट लगाया है, क्योंकि इसे पानी की कम ज़रूरत होती है। छोटे पॉट में बाकी पौधों को जब पानी की कमी होती है वो मुरझा जाते हैं। तो देखिए, ये बॉटल के DIY बनाए थे मैंने और इसमें भी मेरा ये जेट प्लांट लगाया है। तो ये भी एक ट्री की शेप ले रहा है, काफ़ी मोटी इसकी स्टेम हो गई है और इसकी भी हो गई है, और मदर ऑफ थाउजेंड इसमें भी निकल के आया है। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ये गार्डन में। जेट प्लांट देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इसका बॉन्साई भी बड़े प्यारे बनते हैं। तो अभी ये छोटे छोटे इनमें लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर इसकी पत्तियाँ लगती हैं। सकुलेंट प्लांट है ये भी। और इस तरफ ये विनका है, देसी वाला, वाइट और पिंक दोनों एक ही पॉट में है। ये भी वेस्ट ऑयल कैन है। और ये केलेंचो है, एरेंथेमम, आगे स्पाइडर प्लांट है। और इस तरफ ये मेरी बेल, इसमें ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। और ये है सीडम सकुलेंट, ये भी छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है। इसके आगे ये कैक्टस है, ये मैं अभी कुछ दिन पहले लाई थी, बहुत अच्छा है ये भी। और इसे मैंने रिपोर्ट नहीं करा था, जैसे है वैसे ही है, रहने दिया है। फिर आगे ये जो जरबेरा मैं लेके आई थी प्लांट, ये भी मैंने एक वेस्ट ऑयल कैन में ही लगा दिया है। आगे मेरे ये केलेंचो हैं, तो मेरे केलेंचो बीच बीच में अच्छे हैं, बीच में काफ़ी प्लांट ख़राब हो रहे हैं, तो उनकी मैं कटिंग लगा रही हूँ। ये भी एक सीडम की वैरायटी लाई थी, तो बस छोटा सा प्लांट बचा है, बाकी ख़राब हो गया। ये देखिए, इसमें भी एक छोटी सी कटिंग बची है केलेंचो की। ये हाइब्रिड विनका है, ये देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है ये भी। और ये देसी वाला विनका, तो ये वेस्ट ऑयल कैन है सारे के सारे, जिनमें मैंने ये प्लांट लगा रखे हैं। तो इस तरह की चीज़ों का यूज़ भी गार्डन में किया जा सकता है। और ये देखिए, सारे केलेंचो हैं, बीच में कुछ एक प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और कुछ ख़राब भी हो रहे हैं। ये आंवले का पौधा है और मदर ऑफ थाउजेंड है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक छोटी सी कटिंग बची है। और ये येलो वाला अच्छा चल रहा है और उस पर देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है अभी, वैसे विंटर में फ्लावरिंग होती है। और ये भी, ये प्लांट अच्छा है सबसे। इसके पीछे ये सारी जो है कटिंग लगाई हुई है मैंने। और ये देखिए, इस तरह से ये छोटी छोटी इसकी कटिंग मैं मतलब लगा रही हूँ काफ़ी। ये देखिए कितना ख़राब हो रहा है ये प्लांट, नीचे से गलते जा रहे हैं। और पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए रेनी सीज़न में तो प्लांट बड़ी जल्दी ख़राब होते हैं। और ये आगे देसी वाले केलेंचो है सारे, जितने भी हैं सब देसी हैं। देसी वाले को इतनी दिक्कत नहीं होती, बड़े आराम से चलता है। और ये जो है केलेंचो की एक वैरायटी है। और ये सारे मैंने जो है वाइन कलर के जो सिंगोनियम है वो मैंने लगाए हैं। और ये जो कटिंग मुझे मिली थी वो मैंने लगाई है। ये देखिए, इंपेशेंस का प्लांट जो है अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा सा। जरबेरा भी लगाया है एक अलग से, और ये केलेंचो पाइलिया वाला, और ये एक देसी हिबिस्कस है रेड कलर का, वो लगाया है मैंने, कटिंग ही लगाई है ये सारी। तो इस तरह से रखे हुए हैं। और दूसरी साइड में ये कैक्टस वाला छोटे से इसमें लगा दिया, ये पालक है, और ये पॉम्फ्रेना, और ये है केलेंचो की कुछ छोटी छोटी कटिंग जो मैंने सैंड में लगा दी हैं। देखते हैं इनमें से कितनी बचती हैं, ख़राब होती जा रही है पता नहीं क्यों। और ये बेबी टीयर्स छोटे वाला ही। और इस तरफ सारे जो है मेरे सकुलेंट हैं, जो मैंने छोटे छोटे डिस्पोजल गिलास में लगा के रखे हैं। ये सारे प्लांट सकुलेंट, तो बालकनी में कुछ इस तरह से मैंने रखे हुए हैं प्लांट। कटिंग सेक्शन भी है मेरा ये, कि यहाँ पे मैं धूप नहीं आती है तो कटिंग लगा के मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, तो आराम से चलते रहते हैं, बस ब्राइट लाइट इनको मिलती रहती है। इस तरह से मदर ऑफ थाउजेंड के सारे प्लांट मैंने इकट्ठी करके पॉली बैग में लगा दिए।
तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये अपने प्लांट रखे हुए हैं, और चलते रहते हैं आराम से इस तरफ, ज़्यादा धूप नहीं आती है। और पानी मैंने